5 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सदन में पेश करेगी। ये बजट देश की पहली महिला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्तुत करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से सोलन जिला के अर्की के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। 5 जुलाई को पेश किए जाने वाले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से सोलन जिला के अर्की के लोगों को काफी आशाएं हैं। लोगों का कहना है कि इस बार बजट में सरकार द्वारा कुछ नया देखने को मिलेगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अलावा अन्य मुद्दों पर सकारात्मक बजट पेश होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई सम्मान निधि में इजाफा होना चाहिए ताकि किसान अच्छी दवाइयां और औजार ले सके। केंद्र सरकार जो अपना बजट पेश करने जा रही है वह गरीबों के हित में होना चाहिए। भारत सरकार ने जो आयुष्मान भारत योजना शुरू की है इसमें सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य में अधिक बजट का प्रावधान हो। केंद्र सरकार जो बजट पेश कर रही है उसमें किसानों के लिए जो सम्मान निधि 6,000 रुपये चलाई गई है उसको 20,000 बढ़ाया जाए ताकि किसान अच्छी फसल, अच्छे बीज, अच्छी किस्म की दवाइयाँ, औजार खरीद सके ताकि किसान अच्छी अच्छी फसल ले सके। भारत सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जाना है उसमें हम चाहते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता मिले। सरकार महिलाओं के लिए कोई भी ऐसी योजना तैयार करे जिसमें ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। हम चाहते हैं कि बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। सिटी चैनल के लिए अर्की से राकेश कुमार की रिपोर्ट।